सो हे ब्यूटीफुल पीपल, सो मेरे डेली के व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज डेली में। और आज हम लोग एक ऐसी बुक को एक्सप्लेन करेंगे जिसने ना जाने कितने ही लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। ये बुक लिखने का मेन रीज़न भी ये था, इस बुक के जो ऑथर है उन्होंने इस बुक को इसलिए लिखा था क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्यों 99% लोग फेलियर रहते हैं और 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। और इसीलिए उन्होंने उस टाइम के काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस में सेलिब्रिटी इन सब के इंटरव्यूज लिए, उन सब से जाना कि ऐसा क्या है उनके पास जो बाकियों के पास नहीं है, ऐसा क्या है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है और बाकी लोगों को नहीं बना पाता। तो जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक की। अब ये बुक इतनी फेमस है कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि इनके ऑथर कौन है, फिर भी मैं देता हूँ जिन्हें नहीं पता होगा। थिंक एंड ग्रो रिच एक पर्सनल डेवलपमेंट और एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1937। ये अपने टाइम का और अपने टाइम का ही नहीं, ये इतना इन्फ्लुएंसियल बुक है कि दशकों तक ये बेस्ट सेलर है। आज के टाइम में भी ये बेस्ट सेलर है और ये इसने मिलियंस ऑफ लोगों को लाइफ में सक्सेस दिलाया है। चाहे वे अमीर बनना चाहते हो, चाहे वे फेमस होना चाहते हो, जिस फील्ड में भी इसने ना जाने कितने ही क्रिएटिव जीनियसेस इस बुक ने पैदा किए हैं। ये बुक मैंने जैसा कि बताया कि नेपोलियन हिल जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही रिसर्च की, वो एक्चुअली में ढूंढ रहे थे कि उन्हें ऐसा शॉर्टकट पता चले जो कि बाकी के अमीर लोगों को पता है, कि बाकी के सक्सेसफुल लोगों को पता है जिससे वो लोग सक्सेसफुल है, और वही वे टेक्निक को वे सबके साथ शेयर करें ताकि सब हर कोई ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। तो उन्हें कोई एक शॉर्टकट नहीं पता चला, उन्हें एक ढांचा पता चला, उन्हें स्टेप्स, एक सीरीज उन्हें पता चली स्टेप्स की कि अगर आप ये स्टेप्स अगर आप लेते जाते हो, ABCD ये सब एक्शंस अगर आप लेते हो अपनी लाइफ में तो ही आप सक्सेसफुल होगे। और वे नेपोलियन साहब को कैसे पता चला, वे उन्हें पता चला क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल लोगों को जो कि उस टाइम में थे उन सबका उन्होंने इंटरव्यू लिया, जैसे कि एंड्रियो कार्नेगी जो थे, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और भी बहुत सारे उस टाइम के बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप नाम बोलिए और नेपोलियन साहब ने शायद उनका इंटरव्यू लिया हो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का। और उन सबका इंटरव्यू लेने के बाद जो कुछ कॉमन ये उन्हें पता चला जो हर सक्सेसफुल और अमीर आदमी में और जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट किया उन लोगों में है, उन्हें पता चला कि एक माइंडसेट है, ये कुछ हैबिट्स के माइंडसेट है जो हर सक्सेसफुल आदमी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये माइंडसेट ही अकेला नहीं है, माइंडसेट के साथ उनका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं मिलता है जो कि सक्सेस को लेके है, और उनके एक्शंस भी कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो उसके बाद नेपोलियन हिल ने उन सब के टेस्टिमोनी को एक जगह पे किया, वहाँ से कुछ सबसे बेस्ट पॉइंट को निकाला और वे अपनी इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में हम लोग के सामने लेके आए। सबसे पहली बात जो सबसे बेस्ट बात बताते हैं कि अमीर लोगों का थॉट प्रोसेस ही अमीर वाला होता है और गरीब लोगों का थॉट प्रोसेस ही गरीब वाला होता है। अमीर लोग कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, अमीर ही नहीं, मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सक्सेसफुल लोग कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि वे लोग सक्सेसफुल होंगे और उस हिसाब से वे उनकी हैबिट उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। और फेलियर लोग, चाहे वे लोग किसी को भी दोष दे रहे हो, कोई भी सर्कमस्टेंस को वे लोग दोष दे रहे हो या अपनी परिस्थिति को वे लोग दोष दे रहे हो, अपने फैमिली को वे लोग दोष दे रहे हो, लेकिन उनका माइंडसेट यही रहता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते और इसलिए वे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो हम लोग इस बुक के 13 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सक्सेस के लिए, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि अपना जो गोल है, गोल जो हम लोग का, मतलब आपका जो गोल हो या मेरा जो गोल हो, उसे अपने मन में क्लियर एंड कट रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और लगातार उस पर कैसे एक्शन लिए जाते हैं, वे हम लोग इस बुक के 13 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इस बुक के टोटल में 3 वीडियोस लाने वाला हूँ, ये पहला वीडियो तो बस इसके इंट्रोडक्शन में जा रहा है, दूसरा और तीसरे में हम लोग इसके 13 पॉइंट्स को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।